नमस्कार ललिता जी, नमस्कार। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या बात है, आज आने में बड़ी देर हो गई आपको, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, वो जरा बाइक का टायर पंचर हो गया था। क्या हाल है, कैसे तुम लोग? नमस्ते सर। बैठो। अरे सलमा, मृदुला जी तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं लगता है, वो थोड़ी देर से आएंगी, उनके घर में कोई मेहमान आया है, उनके हिस्से के पैसे मैं लाई हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोनिया नहीं दिख रही है, कहाँ है, बाकी सब आ गए? सर सोनिया को बुखार था तो शायद आज वो ना आ पाए। ये दूसरी बार है सोनिया नहीं आई है, तो उसने पैसे भिजवा दिए? नहीं सर। अरे तो तुम्हें लाना चाहिए था ना, हाँ तुम्हें पता है तुम सबके पैसे नहीं आएंगे तो तुम सबको मिलकर किस्त भरनी पड़ेगी। खैर आज शाम 7 बजे के आसपास मैं ही देखता हूँ उसके घर जाके। क्या बात है ललिता जी, वो रजिस्टर कहाँ है अटेंडेंस वाला? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं भैया, मेरे पास सारा दिन नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, और भी बहुत काम है। लाओ वो अटेंडेंस रजिस्टर दो जल्दी लीजिए। चलो अब जल्दी से अपनी अपनी किस्त दे दो। अरे एक किस्त कम आई है मेरे पास, किसने कम दिया है? राहुल सर आपको बताया ना कि सोनिया को बुखार था तो उसकी किस्त नहीं आई है। तो उसकी किस्त सबको मिलकर भरनी पड़ेगी? सर सबका मिला के भी 150 रुपए कम पड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता, तुम सबको ये पैसे मुझे आज ही देने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी लाओ, मैं तो यही बैठा हूँ। हर बार कोई ना कोई किस्त नहीं भरता, ऐसे क्या चलेगा यार, जाने कौन से रूप से पाला पड़ गया। अरे तुम यहाँ बैठे हो, घर पे चाचा चाची आए हुए हैं, घर पे काम है, मेहमान आए हुए हैं, चलो घर चलना है। रुक जाइए रूपा जी, भाई साहब मीटिंग चल रही है अभी, किस्त की अभी समूह की किस्त भी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा टाइम रहेगा। घर पे मेहमान आए हुए हैं, जाना है। अरे रुक जाओ, मीटिंग के बाद चली जाएंगी, रहने दो, जाना है। अरे कह दिया भाई मीटिंग के बाद चली जाएंगी, जाइए आप। हद है यार तुम्हारी। क्या बात है भाई, कौन देगा बाकी की 150 रुपये, मुझे आगे भी जाना है। मेरा घर सोनिया के घर के पास ही है, अभी मैं आपको 150 रुपया दे देती हूँ, मैं बाद में उससे ले लूंगी। यही 10 मिनट पहले कर देते तो बढ़िया नहीं होता? चलो किस्त तो पूरी हुई। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, याद रहे अगली मीटिंग 11 तारीख को होगी। सर इसका आप लोन का आंसर नहीं करेंगे? आज नहीं कर पाऊंगा सर, लोन से संबंधित मेरे कुछ सवाल थे। अगली बार ना आपका लोन कार्ड भी भर दूंगा और आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। तो कैसा लगा आपको? कुछ बातें सही नहीं है, है ना? कुछ चीजें हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। चलिए अब इस वीडियो को फिर से देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप लोग? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं भैया? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गए सब लोग? अरे सलमा, मृदुला जी तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं लगता है, वो थोड़ी देर से आएंगी, उनके घर में कोई मेहमान आया है, उनके हिस्से के पैसे मैं लाई हूँ। अच्छा, सोनिया जी भी दिखाई नहीं दे रही? भैया सोनिया को बुखार था तो शायद वो आज ना आ पाए। ज़्यादा तबीयत खराब तो नहीं है ना उनकी? नहीं भैया, थोड़ी सी कमजोरी है बस। अच्छा तो चलिए अब सब लोग आ गए हैं तो टाइम भी हो गया, अब मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा पहले हम लोग अटेंडेंस लगा लेते हैं। हाँ, जी। अरे आशा जी, आपने लोन के पैसों से गाय खरीद ली?
हाँ भैया, गाय तो खरीद ली है और थोड़ा पैसा भी आना शुरू हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यही चीज ना दूसरे लोगों को भी समझाना, ताकि वो भी अपनी आमदनी शुरू कर सके। और उन्हें लोन चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ। ललिता जी का एक और लोन पास हो गया है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनका रिकॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो में समय से किस्त भरने में बहुत अच्छा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही समय पे किस्त चुकाते रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए, तो आगे किसी को भी लोन मिलने में परेशानी नहीं होगी। भैया, इस बार दुकान बढ़ाने की सोच रही हूँ। आप सबका साथ मिला है तभी ये रकम मिल पाई है, शुक्रिया। तो अब आप लोग जल्दी से अपनी अपनी किस्त जमा कर दीजिए। लीजिए। सबके पैसे आ गए हैं, उनको मैं अपने पास एंटर कर लेता हूँ और टैब में भी एंट्री कर लेता हूँ। सोनिया जी की किस्त नहीं आई है, बस इसके बाद इनके लोन कार्ड भी भर दूंगा। ले लीजिए। भैया, सोनिया की किस्त कम पड़ रही है और उसने भिजवाई भी नहीं है। देखिए, जैसे कि हमारी प्रथा है, कोई नहीं आता तो सब मिलके उसके किस्त के पैसे देते हैं। वैसे ये दूसरी बार है कि सोनिया जी मीटिंग में नहीं आई और अपनी किस्त भी नहीं भिजवाई। क्या आप मीटिंग के बाद सोनिया जी के घर चलेंगी? हम देख आते हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। राहुल भैया, वो आज मुझे थोड़ा काम है, क्या हम शाम को 7 बजे के करीब नहीं चल सकते? देखिए, 7 बजे थोड़ा देर हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, तो 4 बजे चलें क्या? बस 10-15 मिनट ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समय निकाल लूंगी। तो अभी सोनिया जी की किस्त आप सब मिलके भर दें। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाम से पहले ये पूरी किस्त जमा करानी होती है, इसलिए ये किस्त अभी भरनी ज़रूरी है। अगर आज आप नहीं दोगे तो सोनिया जी का क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, जिससे उन्हें आगे लोन लेने में परेशानी हो सकती है। मेरा घर सोनिया के घर के पास ही है, मैं अभी उसकी किस्त दे देती हूँ, मैं बाद में उससे ले लूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आप लोग एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं। अरे तुम यहाँ बैठी हो, घर में चाचा चाची जी आए हैं, चलो घर चलो, उनको जल्दी निकलना है। रूपा जी, आप जल्दी से सोनिया जी की किस्त भी दे दीजिए और अपना लोन कार्ड दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ, फिर आप चले जाइएगा। अच्छा, तो आप सबके लोन कार्ड साइन हो गए ना? हाँ भैया। बहुत अच्छा। अच्छा तो राहुल भैया, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। बहुत बढ़िया। भैया, किश्त तो मैंने भर दी है पर लोन कार्ड लाना भूल गई हूँ, अगली बार साइन करा लूंगी। सलमा जी, जब आपने किश्त के पैसे दिए हैं तो आपको रसीद भी तो लेनी चाहिए, वरना आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं? इसलिए आगे से अपना लोन कार्ड ले आएं और उस पर किश्त की और साइन की दोनों की एंट्री करवाएं। भैया, लोन से संबंधित एक सवाल था। हाँ पूछिए ना। तो अच्छा, तो ठीक है, हम लोग अगली मीटिंग में मिलते हैं। आप लोग सोनिया जी और मृदुला जी को भी बता दीजिएगा मीटिंग के बारे में। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। तो इस भाग में हमने सीखा कि कस्टमर से किस्त निर्धारित समय व जगह पर ही लें। किस्त लेने के बाद कस्टमर का लोन कार्ड ध्यानपूर्वक अपडेट करें। कभी भी कस्टमर को कोई सवाल या समस्या हो तो उसका समाधान करने की कोशिश करें। अगर कोई कस्टमर लगातार सेंटर मीटिंग नहीं आती है तो उनके हालचाल जानने की कोशिश करें। अगर कस्टमर अपनी किस्त समय पर नहीं देती है तो इसका कारण पूछें और उन्हें समझाएं कि समय पर किस्त देना उनके अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें समझाने के लिए ग्रुप के अन्य सदस्यों की मदद लें। कभी भी किस्त के लिए कस्टमर के ऊपर पड़ोसियों या इलाके के प्रभावशाली लोगों के द्वारा दबाव ना डलवाएं। अगर कस्टमर शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसे कंपनी के शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में बताएं। कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें और कस्टमर से आपत्तिजनक समय पर ना मिलें।